हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं पूरा टी20 ब्लास्ट लगभग कवर कर ही चुका हूँ। केवल दो वीडियोज रही हैं, दोनों वीडियो आपको मिलने वाली हैं। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर हेम्पशायर और सर्रे का जो मैच खेला जाएगा इसकी टीम आपको देने वाला हूँ। इसके बाद आपको एसेक्स और ग्लैमोर की टीम मिल जाएगी यहाँ पे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड इतनी वीडियोज़ आपको कोई यूट्यूबर नहीं देने वाला। हम कोशिश करते हैं हर दिन जितने भी मैचेज होते हैं जो हमारे स्पेशली T20 में, क्योंकि ODI और टेस्ट तो मैं बिल्कुल खेलता ही नहीं, खैर बिल्कुल भी, और आपको भी सजेशन देता हूँ कि टेस्ट मत खेल कीजिए। मेरा ज़्यादा फोकस रहता था T20 पे। T20 जितने भी मैचेस तो मैं कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी ODI मैं तब खेलता हूँ जब यहाँ पे आपके पास T20 और कोई ऑप्शन नहीं होता, एक या दो दिन के मैचेज होते हैं ODI, तो इसलिए मैं ODI खेलता हूँ। अदरवाइज मेरा ज़्यादा फोकस यहाँ पर T20 ब्लास्ट पे या T20 पे जितने भी मैचेज होते हैं मेरा ज़्यादा फोकस उन पर रहता है। तो आज भी मैं यहाँ पर की जो KPL का जो पहला मैच है ये भी मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लीजिए। बाकी हमारे जितने भी यहाँ पर T20 ब्लास्ट के मैचेस खेले जाने वाले हैं सबकी वीडियो मैं यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। बाकी हमारी अब दो हमारी जो वीडियो आनी इसके पहले, अब जो हमारी वीडियो है हेम्पशायर और सर्रे का जो मैच खेला जाएगा इसकी मैं टीम यहाँ पे दूंगा। बाकी फ्रेंड, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दी और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे यूट्यूब पर अधिकतर लोग केवल टीम प्रीव्यू देखने के लिए, तो हम टीम प्रीव्यू आपको ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, ज़्यादा स्किप करके आगे ना जाना पड़े वीडियो में, तो इसीलिए हम यहाँ पर टीम प्रीव्यू आपको पहले ही देते हैं ताकि आपको ज़्यादा स्किप करके वीडियो को ना बढ़ाना पड़े। तो जो लोग केवल प्रीव्यू देखने के लिए आते हैं तो वो प्रीव्यू देख के जा सकते हैं, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना उसके बाद। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतने मैचेस यहाँ पे आपको कोई कवर करके देने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो के साथ से किसी और चैनल पे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हर कोई यहाँ पे एक या दो वीडियो डालता है, हम यहाँ पे आपको सारे मैचेस कवर करके देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं टीम की। टीम मैंने यहाँ पर बना रखी, मैं आपको टीम का प्रीव्यू पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आपकी टीम एडिट करके दिखा दूंगा। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो खुद से टीम क्रिएट करने में, खुद से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में, जो खुद से विन करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर टीम प्रीव्यू के बाद की वीडियो है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी टीम का प्रीव्यू है। पोपे को लिया हुआ, उसके बाद जेम्स विंस है, सैम नॉर्थिस है, अर्जुन डोनाल्ड है, उसके बाद यहाँ पे एरन फिंच और विल जैक को लिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर में जो दो बेस्ट ऑप्शन थे वो मैंने रख लिए हैं, सैम कुरान और मॉरिस को यहाँ पर रखा हुआ। उसके बाद यहाँ पर बॉलिंग में जो तीन मुझे बेस्ट लगे वो मैंने तीनों रख लिए हैं। अगर आपको इनसे बेस्ट लगते तो आप और वो देख सकते हो, क्योंकि वीडियो में बने रहें। बाकी के आपको सेशन में आपको दे दूंगा, बता दूंगा यहाँ पर कौन कौन से आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करके आगे तक देखिए। तो जिनका काम हो चुका खत्म, जो केवल प्रीव्यू देखना चाहते थे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो से आप बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके बाद अब जो बाकी के लोग हमारी वीडियोस पर देखना चाहते हैं, जिनको ट्रस्ट है, जो हमारे सेशन के साथ जाना चाहते हैं, वो वीडियो को आगे देखते रहें। तो चलिए मैं यहाँ पर टीम एडिट करके दिखा देता हूँ। पोपे को यहाँ पर मैंने लिया है, बाकी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दो ऑप्शन है। अगर आप इनको रखना चाहते हो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में ये पिच जो है नॉर्थम्पटन में खेला जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर जो पिच जो है काफ़ी अच्छी है बैटिंग के लिए मानी जाती है, पर यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। इस मैच को आप लीग तभी ज्वाइन करना जब यहाँ पर टॉस हो जाए, बाकी आपकी मर्जी। आप टॉस होने से पहले अगर लीग ज्वाइन करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर केवल पोपे के साथ जाने वाला हूँ, बाकी आप लोग जाना चाहते हो जा सकते हो। एरन फिंच को रखा हुआ है, जेम्स विंस को रखा हुआ है, सैम नॉर्थ ईस्ट को रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अर्जुन डोनाल्ड को रखा हुआ है, और यहाँ पर पाँचों जो हमारे बैट्समैन है वो वहाँ पर विल जैक रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास रिले रोसो में भी ना खेलें। उसके बाद यहाँ पर जो मार्क स्टोनमैन है इनको रखना चाहते हो रख सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए। इसके अलावा कोई यहाँ पर आपके पास बेस्ट ऑप्शन मुझे लगते नहीं है। बाकी टॉस होने के बाद देखते हैं क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या यहाँ पर मैच के बारिश की वजह से मैच कम ओवर का होता है, वो सब कुछ आपको टॉस के बाद पता चलेगा। और उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर आपको हम उस तरह की टीम दे सके जिस तरह का यहाँ पर मौसम बनेगा, जिस हिसाब से मैच होगा। तो टॉस के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं हो तो प्लीज़ आप तो लाइक कर ही दो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप ही का फायदा होने वाला है, क्योंकि सारे मैच की वीडियो हम यहाँ पर कवर करते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर में जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिया, बाकी ऑप्शन आपको बता दूंगा क्या क्या यहाँ पर ले सकते हो। क्रिस मॉरिस को लिया, सैम कुरान को लिया हुआ, जिस हिसाब से पीछे उस हिसाब से मैंने रखा हुआ, बाकी यहाँ पर आप लेना चाहते हो लियाम डॉसन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लियाम डॉसन का साथ रिकी क्लार्क को पता नहीं किस लिए खिला रहे हैं, इनको समझ में आया। उसके बाद जॉर्डन क्लार्क को अगर आप रखना चाहते हो, जॉर्डन क्लार्क को, जॉर्डन क्लार्क एक या दो ओवर कराते, ज़्यादा ओवर कराते नहीं है, पर जॉर्डन क्लार्क तभी बेस्ट होंगे जब पूरा मैच होगा और इनकी बैटिंग सर्रे वाले की बैटिंग पहले आएगी। सर्रे की टीम भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि जॉर्डन क्लार्क आई थिंक चौथे पांचवें नंबर पर उतर जाते, तो ये बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इनकी विकेट्स गिर जाती है तो जॉर्डन क्लार्क यहाँ पर आपको अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे
होंगे। तो चलिए बात करते हैं बॉलर्स की। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको अपडेटेड टीम से मिलती है। टॉस के बाद कोशिश करते हैं हम सारे के सारे मैचेस की आपको टीम दी जाए। बाकी फ्रेंड, अगर आप लोग प्ले स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो प्ले स्पॉट खेल सकते हो। ड्रीम इलेवन से थोड़ा हट गया क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है, काफ़ी तगड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आ चुके हैं जो अपना पैसा काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनसे जीतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल है बट आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो सही से, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी भगवान नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान ही है। बट ये उनके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे विनिंग के चांस कम हो जाते हैं। हम लोग सेफ जाते हैं क्योंकि कम पैसा लगाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा हट के ड्रीम प्ले स्पॉट पर खेलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको नहीं पता कैसे खेलना क्या खेलना, मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा किस तरह के यहाँ पे गेम खेला जाता है प्ले स्पॉट पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ साथ ही में रेफरल कोड दिया हुआ है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको बोनस मिलेगा, जिसे आप हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, कंपनी के लिए मेरी भी थोड़ी एक इमेज बनी रहेगी कि हमारे उससे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा मैटर करते हैं यूट्यूबर के लिए, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड अगर यूज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नुकसान आपका कुछ नहीं होने वाला। तो जो तीन बॉलर से बेस्ट जो मुझे लगे वो मैंने रख लिए, बाकी अगर आपको लगता है इनसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा कौन कौन होता है। काइल वुड को रखा, टॉम कुरान को रखा और क्रिस वुड को रखा, तीन जो मुझे बेस्ट लगे पिच के हिसाब से वो मैंने रख लिए। बाकी इमरान ताहिर पर एक अच्छे ऑप्शन है, मैसन क्रेन, उसके बाद यहाँ पर डेनवर्च हो गए, उसके बाद यहाँ पर हॉलैंड को मैं ज़्यादा करूँगा क्योंकि बॉलर तो उसे काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो रिस्क ले सकते हो तो किसी को डाउन करके ले सकते हो, बट मैं इन तीनों के अलावा किसी और के साथ नहीं जाने वाला। टॉम कुरान को तो गलती से भी मिस मत करना क्योंकि ये जो है हर मैच में बिगड़े जा रहे, हर मैच में अच्छे खासे पॉइंट अर्न करने, जैसे कि इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। ये देखिए फ्रेंड, 49, 22, 26, 34, 13, एक दो मैच में फ्लॉप रहे, 36, 35, 40। तो फ्रेंड इस प्लेयर को मिस करने की गलती मत करना गलती से भी, वरना आप बहुत कुछ लॉस में चले जाओगे। तो ये थी हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे हमारे एरन फिंच और जेम्स विंस यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन है पिच के हिसाब से। बाकी यहाँ पर ट्राई करना चाहते तो सैम कुरान को ट्राई कर सकते हो, सैम कुरान भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी यहाँ मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए। ग्रैंड लीग में आप किसी को भी करते हो, ग्रैंड लीग काफ़ी क्योंकि रिस्क से आती है, उसमें लक होता है और दिन होता है। जिस दिन आपका लक और दिन होगा उस दिन आप ग्रैंड लीग को आपको कोई नहीं हटा सकता, आप ही नंबर वन पर रहोगे। बस बातों को पूरा सुना करो तभी आपकी समझ में आ पाएगा किस तरह की टीम यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो चलिए फ्रेंड, ये थी हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम और ग्रैंड लीग के लिए टिप्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे सहसर उसे एक अच्छी टीम बना सकते हो, एक हमसे भी अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो। बाकी फ्रेंड, मैं यहाँ पर सारे मैसेज कवर कर चुका हूँ, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब फ्रेंड, हमारे यहाँ से जो लास्ट वीडियो आने लिया आज की, एसएक्स और ग्लैमोरगन की टीम है। काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है, काफ़ी तगड़ा मुकाबला हो सकता है, ग्लैमोरगन काफ़ी नीचे की टीम है और एसएक्स काफ़ी हाई लेवल पर टीम है, तो फिर इन दोनों के बीच मुकाबला बहुत जबरदस्त होता है, वन साइडेड हो सकता है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।